हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लॉग। और आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ यूबी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। और हम इसके ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाले हैं इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सके हमारे इस वीडियो से। इसके पहले भी मैंने अप्लाइड फिजिक्स के कई सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल में, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी वीडियोज़ हम डालें उसकी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अपने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। दिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का टेस्ट सीरीज वन चल रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर डिपेंड्स ऑन, मींस किसी भी तार का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को प्रेफर किया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं ताकि दोनों लोग को आसानी से समझ में आ सके। तो किसी भी तार का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शंस हैं तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ पर और ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला साइड में लिखा है, हम लोग इसमें से जानेंगे। तो फार्मूला है R प्रोपोर्शनल L बाई A। तो जो हमारा L है वो है लंबाई तार की, A है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जो हमारा R है वो तो प्रतिरोध है ही है और जो हमारा रो है वो तार के पदार्थ हैं, मटेरियल। तो फ्रेंड्स, फार्मूला में यह हमारा तीनों है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये तीनों पर निर्भर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चार क्वेश्चन बन रहे हैं, चारों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स वर्क, मीन्स किस सिद्धांत पर मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे ए किरचॉफ्स लॉ, बी व्हीटस्टोन ब्रिज, सी न्यूटन्स लॉ एंड डी ओम्स लॉ एंड ई नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आकार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैराड संधारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समतुल्य क्षमता का पता लगाएं। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं संधारित्र क्या है, वो कैपेसिटर को ही संधारित्र हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलेंगे टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 फैराड ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 फैराड, 20 फैराड, 5 फैराड एंड 1 फैराड। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है C इज इक्वल टू C1 प्लस C। अगर हमें दो के अलावा भी संधारित्र दिया हो कैपेसिटर तो हम इसमें और जोड़ सकते हैं C। और फ्रेंड्स, अगर ये हमें सीरीज क्रम में दिया हो यानी श्रेणी क्रम में, तब हो जाता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यहाँ समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा के उसको जोड़ देंगे। तो फार्मूला होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 फैराड। और फ्रेंड्स, जो हमारा फैराड है वो संधारित्र की धारिता का मात्रक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन परावर्तन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन एंड डी ऑप्शन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित स्थिति क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। फ्रेंड्स, हमें यहाँ व्हीटस्टोन का इक्वेशन जानना है। ऑप्शंस हैं P/R इज इक्वल टू Q/S, बी P/Q इज इक्वल टू R/S, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ एबव,
क्योंकि हमारा पी अपान क्यू भी हो सकता है और पी अपान आर भी हो सकता है पहले, और बाद में क्यू अपान एस और आर अपान एस दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा एक न्यूमेरिकल है, एक नैनो कूलाम चार्ज से एक मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का पता लगाएं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज वन मीटर अवे फ्रॉम वन नैनो कूलाम। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन बी 9×10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी 9×10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर डी ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो हमें सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R2। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R2। तो हमारा 1/4πε0 का फ्रेंड्स जो मान होता है वो 9×10⁹ कूलाम होता है, और क्यू का मान हमें दिया है यहाँ पर 1 नैनो कूलाम, इसलिए हम, और नैनो कूलाम का मान होता है फ्रेंड्स 10⁻⁹। फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ माइक्रो कूलाम दिया होता तो 10⁻⁶ हो जाता, और आर स्क्वायर हमारी दूरी है, तो दूरी हमें यहाँ दिया हुआ है एक मीटर की दूरी, तो हम एक का स्क्वायर कर देंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9 न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, 9 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और स्मॉल न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। एक ऑप्टिकल फाइबर का ग्राह कोण 30 अंश है, न्यूमेरिकल अपर्चर को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज 30 डिग्री, फाइन न्यूमेरिकल अपर्चर। इसके ऑप्शंस हैं √3/2, 1/2, 1/√2 और 1। तो फ्रेंड्स, इसका दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है NA=N1²−N2², वो भी रूट में, और दूसरा जो होता है वो होता है sin θ। तो अगर हमें दो वैल्यू जैसे दी होती है N1 और N2 के मान में, तब हम लोग पहले फार्मूला को लगाएंगे, और यदि हमें कोण में दिया हो एंगल में, तब हम लोग सेकेंड फार्मूला को लगाएंगे। यहाँ फार्मूले में NA का मतलब है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो यहाँ हमें 30 एंगल दिया है, 30 डिग्री, तो हम इसको sin θ में रखेंगे, तो sin 30 डिग्री हो जाएगा, और हम सभी जानते हैं sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर धातु का विद्युत प्रतिरोध मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसके ऑप्शंस हैं इंक्रीजेस बढ़ता है, डिक्रीजेस घटता है, रिमेंस कॉन्स्टेंट यानी कि स्थिर रहता है, None of above। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर। ऑप्शन है मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर, या फिर कैरी पोस्टर ब्रिज। फ्रेंड्स, जो ऑप्शन पहला है मीटर ब्रिज और दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये मैं बता चुका हूँ कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और जो थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, वो नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसको EMF के लिए यूज किया जाता है, और इसकी करंट जो होती है जीरो, मतलब जीरो करंट पे EMF जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और यही हमारा आदर्श वोल्टमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाद नेक्स्ट है, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं दोनों आवेशों का परिमाण, आवेशों का द्रव्यमान, माध्यम के परावैद्युतांक पर, और नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाएगा वो लिखा है यहाँ पर स्क्रीन पे, U इज इक्वल टू 1/4πε0Q/Q1Q2/R। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो Q1 Q2 है वो आवेशों का परिमाण है, K है परावैद्युतांक है, लेकिन फार्मूले में कहीं भी आवेशों का द्रव्यमान नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या दो
आवेशों का द्रव्यमान। के बाद हमारा एक और न्यूमेरिकल दिया गया है कैपेसिटर पर बेस्ड। 10 फैराड्स धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता ज्ञात करो। इंग्लिश में 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 फैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 संधारित्र दिए हुए हैं, C1, C2 और C3। इसके पहले मैंने एक अभी बताया था सवाल, वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन पर था, समांतर क्रम में, और मैंने वहाँ समांतर क्रम का फार्मूला बताया था और श्रेणी क्रम का भी फार्मूला बताया था। तो श्रेणी क्रम का हमारा फार्मूला हो जाएगा सीरीज क्रम का 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमें तीनों संधारित्र 10 फैराड के दिए हुए हैं, तो हम तीनों C1, C2, C3 की जगह 10-10 रखेंगे। फार्मूले में रखने पर हमें मिलेगा 1/C इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। इसका हम लोग LCM लेंगे तो 10 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3/10 होगा। ये हमारा 1/C का मान है 3/10। अगर हम लोग C का मान निकालेंगे तो यही उल्टा हो जाएगा वैल्यू, 10/3, यानी कि C का मान हो जाएगा 10/3। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 10/3 फैराड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, जो रूबी लेज़र के लिए सही है, विच इज़ ट्रू फॉर रूबी लेज़र। ऑप्शंस हैं, रूबी लेज़र इज़ अ कंटिन्यूस लेज़र, रूबी लेज़र इज़ अ पल्स लेज़र, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रूबी लेज़र पल्स लेज़र है। ये हमारा लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की विद्युत चालकता निर्भर करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी वायर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन हैं, तार की लंबाई आई, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, तार के पदार्थ रो, ऑल ऑफ एबव। तो इसका फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू 1/r और r का मान होता है रो एल अपान ए, लेकिन हमें यहाँ 1/r दिया हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा ए अपान रो एल, जहाँ ए हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो हमारा तार का पदार्थ है और एल है हमारा तार की लंबाई। तो यहाँ ऑप्शन में सभी ऑप्शन फार्मूले में हमारे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आप लोग मेरी बात गांठ बांध कर देख लीजिए, एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर इज जनरली यूज्ड एज। ट्रांजिस्टर साधारणतः प्रयोग किए जाते हैं एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में, रेक्टिफायर दुष्टकारी के रूप में, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो दो टाइप का होता है, PNP और NPN ट्रांजिस्टर, और वो हमारा प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीफायर। इसके बाद नेक्स्ट है, कूलम्ब बल निर्भर नहीं करता है, कूलम्ब फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन। दोनों आवेशों के परिमाण पर, आवेशों के बीच की दूरी पर, आवेशों के द्रव्यमान पर, या फिर माध्यम के परावैद्युतांक पर। ये इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी बताया है, F इज इक्वल टू 1/4πε0K × Q1 Q2/r2, इसका फार्मूला होता है, और फार्मूले में हमें दोनों आवेशों का परिमाण दिया हुआ है जो कि Q1 Q2 है, आवेशों की बीच की दूरी है r2, आवेशों के परावैद्युतांक है K, लेकिन आवेशों का द्रव्यमान फार्मूले में कहीं भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि कूलम्ब बल आवेशों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ऑप्शंस हैं हमारे, रिफ्लेक्शन परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, या फिर नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस पदार्थ के लिए ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण की गणना करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज √3, फाइंड ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल फॉर दिस मटेरियल।
इसका फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी। यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक है और म्यू का मान ऑलरेडी हमें रूट थ्री दिया हुआ है। हमें यहाँ आई पी का मान निकालना है, तो हम लोग यदि फार्मूले को आई पी के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा आई पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, क्योंकि टेन उधर जाएगा तो वो टेन इनवर्स में हो जाएगा। तो आई पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, तो हम म्यू का मान रखेंगे, तो आई पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री। जो रूट थ्री है वो हमारा टेन 60 अंश का मान है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन 60 अंश। और फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बाहर टेन इनवर्स हो और ब्रैकेट के अंदर टेन है तो टेन इनवर्स और टेन कट जाता है, तो हमारा सिर्फ 60 अंश बचेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा 60 अंश हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो का, जो कि है किसी चालक को क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है और उसका प्रतिरोध शून्य होता हो जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शंस है हमारे प्रतिरोधकता, अतिचालकता, चालकता या फिर नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिचालकता, इसको हम लोग अतिचालकता बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको आपको फिर से समझा देंगे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप and don't forget to subscribe to my channel. Also my all social media links in my description box and all videos links also in my description box, so you can check there. Please share my channel with your friends and classmates. So friends hanste rahiye, muskurate rahiye aur padhte zarur rahiye. To milte hain next video mein, tab tak ke liye video dekhne ke liye dhanyawad and in English thanks for watching.